इधर लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की नई भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह जहां राजगढ़ से चुनाव हार गए, वहीं छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की हार के बाद एक बार फिर कमलनाथ हाशिए पर चले गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनके छत्रपू का राज खत्म होता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के दो दिग्गज नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की नई भूमिका क्या होगी, इसको लेकर चर्चाएं गर्म है। पार्टी ने राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया था, जहां से वह भाजपा प्रत्याशी रूडमल नागर से लगभग 1,46,000 के अंतर से हार गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ भी छिंदवाड़ा से लगभग 1,13,000 मतों से बंटी विवेक साहू से हार गए। छिंदवाड़ा सीट को कमलनाथ और कांग्रेस की परंपरागत लोकसभा सीटों में से एक माना जाता था। वहीं लोकसभा चुनाव में हार के बाद इन दोनों दिग्गज नेताओं की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस इन दोनों नेताओं से मार्गदर्शन लेने की बात कह रही है। सबसे बड़ी बात, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री और अगर कही जाए तो मध्य प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े वर्तमान में नेता है और एक विधायक भी है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हम जैसे कई कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी देंगे उनसे, और जीतू पटवारी जी को भी मार्गदर्शन देंगे वो। इसके अलावा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो हैं, दिग्विजय सिंह जी अभी राज्यसभा सांसद हैं और उनका 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है, तो उनका अपना ही अलग दायित्व है। तो वरिष्ठ जो नेता होता है निश्चित तौर पर उनका एक अपना रोल होता है और हमारे लिए वो बड़े सम्मानित हैं, और आप देखेंगे उनके मार्गदर्शन में हम लोग 2028 का चुनाव बड़ी ताकत से लड़ेंगे। बहरहाल राजगढ़ से भले ही दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन अभी भी वह प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा से विधायक हैं। जहां दिग्विजय सिंह राज्यसभा में पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक के रूप में कमलनाथ की अपनी ही एक अलग भूमिका होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद भले ही इन दिग्गज नेताओं का कद घटा हो, लेकिन वह अपनी भूमिका को लेकर दृढ़ता से डटे हुए हैं। दिनेश शुक्ल, INH 24x7 भोपाल।